पुरुषों की ये पांच आदतें बनाती है उनको कमजोर, इसलिए जान ले उसका समाधान। इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि जब सेक्स करते हैं तो हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। कोई भी नए पार्टनर के साथ में आप सेक्स करते हो, पता नहीं है कि उसको HIV है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है और कोई, और आप बिना प्रोटेक्शन का सेक्स कर लेते हैं और बाद में आपको भी वो HIV या एड्स हो जाता है, तो आपने हरदम ये ख्याल में रखना चाहिए कि आप कहीं भी सेक्स करने के पहले आपने वो फुल्ली प्रोटेक्टेड सेक्स करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप एक कंडोम का इस्तेमाल कर देते हैं, कंडोम अच्छे क्वालिटी का रहता नहीं, फट जाता है और फिर वही प्रॉब्लम। इसलिए आपको यदि डाउट है तो आप दो दो कंडोम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये नंबर एक कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नंबर एक। नंबर दो जो आदत है लोगों की वो है कि वो फोरस्किन जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब क्या है कि फोरस्किन जो है, ग्लांस सामने वाला जो रहता है सुपारी जैसा, उसके ऊपर स्किन पूरी आती है, चमड़ी पूरी ऐसी कवर कर लेते हैं। अब कुछ लोगों की जो फोरस्किन है ये बहुत टाइट हो जाती है और टाइट रहती है, वो पीछे हटती नहीं है, पीछे ले नहीं सकते हैं। अभी ये मालूम कब पड़ेगा, जब आप उसको पीछे लेंगे, रोज साफ सुफ रखेंगे, धोएंगे स्नान करने के समय, साफ सफाई रखेंगे तो अच्छा है। तो इसलिए हर पुरुष ने स्किन को पीछे लेना है, रोज स्नान करने के समय धो डालना है और साफ सफाई रखना है। इससे संक्रमण की कोई बीमारी होगी नहीं, पेनिस स्वस्थ रहेगा। और यदि आपकी जो स्किन है, चमड़ी जो है, वो पीछे हट्टी नहीं है, टाइट है, तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि उससे सेक्स का आनंद आपको नहीं मिलेगा। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि दो दो तीन तीन साल से उनको इस तरह की बीमारी है कि स्किन पीछे हट्टी नहीं और उनको सेक्स का आनंद मिलता नहीं है। कभी कभी फिर वो स्किन पीछे हट्टी और वहीं चिपक जाती है, वहीं फिट हो जाती है और वहाँ फिर सूजन आती है, पैराफाइमोसिस, और उसका फिर अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हरदम ये ख्याल रखना चाहिए कि फोरस्किन पीछे करके साफ सफाई रखना है। तीसरी आदत जो है कि नपुंसकत्व, उसको लोग छिपा के रखते हैं और फिर उसमें ज़बरदस्ती करेंगे। मतलब ज़बरदस्ती मतलब क्या है कि भाई फुल टाइटनेस नहीं आया है तो अपना इंसल्ट नहीं होना चाहिए, अपनी इज्जत रहना चाहिए, इसलिए मतलब हाफ हार्टेडली वो सेक्स करेंगे या पूरा इरेक्शन नहीं हुआ, पूरी कठोरता नहीं है तभी भी सेक्स करने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें और फेल हो जाएंगे। नेचुरली फेल हो गए तो फिर और दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस और इज्जत का सत्यानाश और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो आपको थोड़ा भी ऐसा प्रॉब्लम लगता है कि नहीं भाई जितना चाहिए उतना इरेक्शन नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इरेक्शन नहीं आना, ये और कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। मेरे पास में से बहुत सारे लोग आए कि उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम आया, टेस्ट करने गए तो बहुत बड़ा डायबिटीज निकला, बहुत हाई शुगर निकली उनको, है ना, तो या थायराइड की बीमारी निकली। तो ऐसे रहते हैं तो तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है। फिर चौथा जो है, चौथी आदत जो है वो पॉर्न को हकीकत समझना। ये पॉर्न को हकीकत समझना है दोनों तरफ से हो सकता है। मतलब औरत को भी ऐसा होता है कि पॉर्न को हकीकत समझती है, वहाँ वो बड़ा बड़ा लिंग रहता है और वो उनका लिंग बड़ा रहने के बाद में वो औरत कंपेयर कर लेती है कि भाई मेरे पति का इतना नहीं है, मेरे पार्टनर का इतना बड़ा नहीं है और मुझे इतना सुख मिलेगा नहीं। पुरुष भी वही देखता है कि पॉन को हकीकत समझता है कि ये ट्रुथ है और इतना ही बड़ा रहता है, और फिर वो खुद को बहुत कम समझने लगता है, गिल्ट लगता है, सेल्फ इमेज डैमेज हो जाती है कि मेरा इतना बड़ा नहीं है और इसलिए मैं मेरे पार्टनर को आनंद दे नहीं सकता, ऐसे उसके दिमाग में आता है। पॉन को हकीकत समझने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉन है, वो मूवी है, वो शूटिंग किया हुआ है, आर्टिफिशियल बताया गया है सब उसमें, और कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ दे के भी वो लंबा करते हैं, और कुछ लोगों के लंबे ही रहते हैं, मतलब बचपन से ही, और उनको ही लिया जाता है उसमें। 1000 में ऐसे कम से कम 5 या 6 लोग रहते हैं कि जिनका 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच ऐसा रहता है, उनको लेते हैं और अपने को लगता है कि भाई वो उतना ही नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली लोग आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा वो पॉर्न वीडियो में सेक्स करते हुए देखते हैं, चिल्लाना चीखना चालू रहता है, तो उनको लगता है कि यही सेक्स है, तो वो हकीकत नहीं है। वो देख के अपने दिमाग में वो मतलब बस के लेना और अपनी सेक्स लाइफ खराब करना, ये आदतें ठीक नहीं है, तो इसको भी हमने करेक्ट करना चाहिए।
और नंबर पांचवा जो है वो है कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन के लिए बेचैन हो जाना। मतलब लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हस्तमैथुन वैसा नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्तमैथुन कर सकते हैं, मगर जब हस्तमैथुन के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लेते हैं और वो इररेजिस्टेबल डिज़ायर है कि नहीं करना ही पड़ता है, दिन में दो दो तीन तीन चार चार बार हस्तमैथुन करेंगे, जब उनकी इच्छा भी नहीं तभी करेंगे, तो एक वो ऑब्सेशन है, उनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। कभी कभी लोग वो हस्तमैथुन करते हैं तो उसमें जख्म हो जाती है, घिसते घिसते खून आता है, मज़ा भी नहीं आता है, तो ऐसे समय वो ज़्यादा पुल ऑन न करते हुए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो इस तरह का हस्तमैथुन हो या नपुंसकत्व हो, मतलब जितना चाहिए उतना इरेक्शन नहीं है, उसको छिपाना है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम रहे तो तुरंत आपने अपने प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो है उनको उनकी हेल्प लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारे डॉक्टर्स आपकी सहायता करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।